अखंड भारत की स्थापना जो पत्नी उसका अपना पद है, देश की संस्कृति तथा परंपरा के आधार और भारत के निश्चित लोग राजकालीन राम जन्मभूमि का मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा और मेमोरियल अखाड़ा ने 70 सालों से लड़ा। उसी मुकदमे की जीत अयोध्या से होते हुए फिर हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आज जो भव्य राम मंदिर बनना है वो हिंदू महासभा की उपलब्धि है। पक्षकार हिंदू महासभा ही रहा। अभी जैसे कि मथुरा का मुद्दा चल रहा है, जो कि मथुरा का हम लोगों का चल रहा है कि मथुरा में मंदिर के निर्माण को लेकर के, तो भी जो कोर्ट में विधिक कार्रवाई है वो हिंदू महासभा के ही द्वारा हो रही है। जैसे कि काशी में भी जो कि सारे जो पक्षकार हैं उसमें हिंदू महासभा ही है, जो कि आज नहीं ये लगभग 70 से 75 सालों से पूर्व से मुकदमा कायम है, वो अभी तक चल रहा है। एक सफलता मिली है, जल्द ही हम लोगों को मथुरा में भी अभी 6 दिसंबर को हम लोग हिंदू महासभा ने एक आह्वान किया था जलाभिषेक का, लेकिन प्रशासन ने वहां जाने की अनुमति नहीं दी और उसको स्किप करना पड़ा। लेकिन बहुत जल्द हम लोग फिर मथुरा पहुंचेंगे और वहां पे जलाभिषेक करके वहां पे भव्य राम कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। इसी के साथ जैसे कि आप लोगों ने सुना, हम लोग कहते हैं संबोधन में जय हिंदू राम। हमारे देश का बंटवारा तो हो गया, बंटवारा भी जब हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान भी हो गया, उसके बाद एक देश और बन गया, बांग्लादेश भी हो गया। लेकिन क्या कारण है कि हिंदुस्तान को जो है भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया? जब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हमको वो सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। हिंदू महासभा 1915 से को लेकर के तब से आज तक केवल एक ही लड़ाई लड़ रही है, वो है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जैसे ही हिंदू राष्ट्र घोषित होता है साथियों, क्योंकि हिंदू महासभा ने एक ही नारा दिया है कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास, बहुत होगा सबका साथ और सबका विकास, अब होगा हिंदू का साथ और हिंदू का विकास। क्योंकि जो पार्टियां हमको जात गत बांट रही है, कोई यादवों को लेकर के बांट रहा है, कोई अर्जुनों को दलित को लेकर के बांट रहा है, इससे हम लोग आगे नहीं, क्योंकि हम हैं तो 75% से 75%, लेकिन हम जातियों में बटे हुए हैं। कोई ब्राह्मण है तो कोई वैश्य है तो कोई वर्मा है तो कोई ठाकुर है कोई क्षत्रिय, लेकिन हम ऐसे बटे हुए हैं। जैसे कि हम संगठित हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र होने में कोई देर लगेगी। साथियों, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिवेदी जी महाराज ने एक ही नारा दिया है कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। जब इस नारे को हम आत्मसात करेंगे तो अखंड भारत हमारा जो है हिंदू राष्ट्र होगा, क्योंकि विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो कम से कम अपने देश को तो बचा दें, प्रदान करें कि अखंड हिंदू भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग पुरनिया चौराहे पे, जहाँ पे आप भारी मात्रा भीड़ देख रहे हैं, पीछे अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा एक बैठक रखी गई है, श्रमिक प्रकोष्ठ का गठन हुआ है और बहुत से लोगों की नव नियुक्ति भी हुई, शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी मौजूद है। आइए चलते उनसे बात करते हैं कि आज की बैठक में क्या कहेंगे, जिस तरीके से 22 की चुनाव की तैयारी के दिन प्रतिदिन आगे से आगे हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा अपनी तैयारी में लगा हुआ है। आइए चलते ऋषि त्रिवेदी जी से बात करते हैं कि आज की बैठक में क्या कहेंगे। तो अब हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम पे वो क्या कहेंगे और किस तरीके से 22 के लिए तैयारी, आपका स्वागत है सर। ऐसा है कि आज श्रमिक प्रकोष्ठ की जो है लखनऊ जिला अध्यक्ष की नियुक्ति एवं जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति हुई है, जिसमें अशोक शुक्ला जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष लखनऊ का बनाया गया है। इन्होंने अपनी पूरी कार्यकारिणी का गठन किया है। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ गोपी किशन जी हैं, जो कि वो पूरी चीज का विवरण देंगे और बाकी जिला अध्यक्ष बताएंगे कि आज कार्यकारिणी के क्या मतलब किस किन पदों पर किस किस की नियुक्ति हुई है। बाकी जो
हम लोगों के मिशन चल रहा है। हम तो सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, वो एक बैनर तले एक साथ खड़े हों, क्योंकि तभी हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम अपने देश को बचा सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे करके बटते जाएंगे। अभी तक मैं कई बार बट चुका हूँ, फिर बटने के कगार पर, जैसे हम कश्मीर से भगाए गए, बंगाल से भगाए जा रहे हैं, वैसे आगे हम लोगों के साथ होने वाला है। लव जिहाद की कितनी भी घटनाएँ हो रही आप लोगों के संज्ञान में, अभी पारा में हुआ, मैंने जा करके वहाँ से शादी रुकवा करके, उस मुस्लिम की शादी रुकवाई, जबरदस्ती लड़की से हिंदू की लड़की के साथ शादी हो रही थी। तो ऐसी तमाम सी घटनाएं हो रही हैं और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक ये सब बंद नहीं होगा। तो जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं बीजेपी के झंडे और हिंदू राष्ट्र के झंडे एक साथ दिख रहे हैं, बीजेपी के अपने झंडे लगे, हिंदू महासभा के अपने झंडे लगे हैं, वो तो क्या इसका मतलब क्या है कि बीजेपी और हिंदू महासभा एक साथ? नहीं 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 नहीं, हिंदू महासभा का अपना ध्येय है, हिंदू महासभा का अपना लक्ष्य है, हिंदू महासभा जो है हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर है, और जो कि शायद बीजेपी वहां पे नहीं खड़ी दिखती, क्योंकि जहां पे अल्पसंख्यक मोर्चा है या ऐसे करके मोर्चों का गठन किया जाता है, मुस्लिमों को टिकट दिया जाता है, हिंदू महासभा में किसी भी मुस्लिम को किसी भी ईसाई को ना सदस्य बनाया जाता है और ना उसको चुनावी या कहीं उसको सदस्य ही नहीं बनाया जाता। हम तो कहते हैं घर वापसी करिए ना, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके पूर्वजों को उठा के देखें, वो सब हिंदू हैं। वो तो बीच में किसी आपदा काल में किसी परिस्थिति में उन्होंने धर्म का परिवर्तन किया, लेकिन अब कौन उनको जबरदस्ती कर रहा है? अब तो आप आइए, मैं स्वागत करता हूँ, गले लगाता हूँ। अभी कितने लोगों को हिंदू धर्म अपनाया गया, अभी रिजवी जी ने अपना लिया, तो मैं तो स्वागत करता हूँ ना अपने धर्म में, आप आइए, स्वागत है आपका। लेकिन आप कहोगे मुस्लिम बन करके हम आएंगे, तो मैंने आपके लिए देश दे रखा है, अब यहाँ पे जगह नहीं है। यानी कि मुस्लिमों को आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बीजेपी से गठबंधन होगा कि नहीं होगा? कोई गठबंधन नहीं हमारा ना। ठीक है, तो ये बताइए आज जो श्रमिक प्रकोष्ठ का गठन हुआ तो कितने लोगों की आज नियुक्ति हुई? आज लगभग 40 लोगों की कार्यकारिणी की नियुक्ति हुई है। तो 22 के लिए और क्या कहना चाहेंगे? 22 के लिए मैं सभी अखिल भारत हिंदू महासभा के जो भी प्रत्याशी हमारे मैदान में आ रहे हैं, मैं सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें। तो ये थे हमारे साथ में ऋषि त्रिवेदी जो प्रदेश अध्यक्ष, श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आज की जो आपने गठन के लिए बहुत से लोगों को यहाँ पे मनोनयन सभा समारोह हुआ, तो उसके बारे में क्या कहें? आज हमारी लखनऊ कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उसमें अशोक शुक्ला जी ने जो अपनी पूरी कार्यकारिणी गठित की है उसकी सूची मुझे दी है, वो मैं नाम आपको बता देता हूँ कुछ। यानी कि लखनऊ जिला से आपके श्रमिक प्रकोष्ठ का गठन हुआ है? जी हाँ, पूरा का पूरा गठन और पूरी कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, और ये जिला अध्यक्ष जी या जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं वो ब्लॉक तहसील स्तर पर भी काम करना शुरू करेंगी, और 2022 के चुनाव में जो है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगी। यानी कि श्रमिकों को लेकर के आप लोग चल रहे हैं, जिससे श्रमिक, जिससे वर्तमान सरकार में पटरी दुकानदारों का शोषण हो रहा है, बहुत सारे व्यापारी भाइयों का शोषण हो रहा है, तो आप लोग उनकी लड़ाई लड़ने के लिए श्रमिक प्रकोष्ठ का गठन? नहीं, पहले तो ये हम बताना चाहेंगे श्रमिक का मतलब सभी लोग हो गए, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कोई फिजिकल लेबर्स कर रहा हो या मेंटल लेबर कर रहा हो, सभी श्रमिक हुए। कोई भी श्रमिक है, अगर किसी कोई भी समस्या हो तो हिंदू महासभा उसको बढ़ चढ़ करके उसका समाधान निकालेगी, चाहे सरकार के स्तर पे हो चाहे जैसे हो, वो अपना कार्य करती रहेगी और उनको उनके अधिकार दिलाती रहेगी। तो जिन जिन लोगों का गठन हुआ उन लोगों के नाम बताएं? जी हाँ, इसमें श्री अशोक कुमार शुक्ला जी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके अलावा कृष्ण कुमार गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष, मनीष वर्मा जी सक्रिय सदस्य, अजय कुमार गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष, नवीन शुक्ला जी जिला कार्यालय मंत्री, दिलीप साहनी जी जिला मंत्री, विनोद साहनी जी जिला मंत्री, राम नरेश प्रसाद जिला संगठन मंत्री, संदीप तिवारी जी जिला उपाध्यक्ष, सुशील तिवारी जिला उपाध्यक्ष, विजय शुक्ला जिला उपाध्यक्ष, रमा शंकर त्रिवेदी जी जिला प्रचार मंत्री, शक्ति तिवारी जिला मीडिया प्रभारी, उत्तम पांडे जी जिला कोषाध्यक्ष, राम सागर साहनी जिला मंत्री, हिमांशु सोनकर जिला उपाध्यक्ष, सर्वेश त्रिवेदी जिला उपाध्यक्ष, आशीष जायसवाल जिला महामंत्री, सुनील साहनी जिला मंत्री, जितेंद्र मिश्रा कार्यकारी जिला अध्यक्ष, प्रशांत अवस्थी जिला प्रवक्ता, मनीष कुमार गुप्ता जिला प्रचार मंत्री, संजय पांडे जिला प्रवक्ता, किशन गुप्ता जिला प्रचार मंत्री, अशोक कुमार शुक्ला जिला अध्यक्ष, और इनके साथ साथ जो है करीब सैकड़ों के लोगों ने सदस्यता और ली है। तो जिला अध्यक्ष आपके कहाँ पे? ये जिला अध्यक्ष। तो आपको जो आज कार्यभार दिया गया है लखनऊ का, तो लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें होती हैं, तो लखनऊ के लिए क्या तैयारी रहेगी? हमारी ये तैयारी है
कि हम अपने भाइयों को इसमें तैयार करें और जागरूकता फैलाएं, जिससे कि हमारा हिंदू भाई जागे। अभी हमारा हिंदू भाई सो रहा है, इसलिए हमको जगाने का प्रयास करेंगे और जब सब लोग जाग जाएंगे तो एक नया भारत, एक नया राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारा नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, महादेव। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आज हम लोग आए थे पुरनिया में, जहाँ पे अखिल भारत हिंदू महासभा के श्रमिक प्रकोष्ठ का हुआ गठन, लखनऊ की कार्यकारिणी का हुआ गठन, तो किस तरीके 2022 के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा आगे से आगे तैयारी कर रहा है, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जय हिंदू राम, जय हिंदू राम।